जाने हम पढ़े कितना ये हम नहीं जानते, मगर पास हो गए बिन परीक्षा दिए हो। जाने हम पढ़े कितना। जी हाँ बच्चों, अब तो आप लोगों की बल्ले बल्ले क्लास 10th के स्टूडेंट्स को तो पास पहले ही कर दिया गया था, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। अब क्लास 12th के स्टूडेंट्स को भी पास कर ही दिया गया है। आप लोगों की तो बल्ले बल्ले नहीं बच्चों, ये बल्ले बल्ले की बात नहीं है। अब आप लोगों को और मेहनत की जरूरत है। सिर्फ रिजल्ट झूठ मूठ का ले लेना कोई फायदा नहीं है। इसमें तो सभी बच्चों को ही पास कर दिया जाएगा, चाहे कोई पढ़ा या ना पढ़ा। जिसने बहुत अधिक पढ़ा था, हो सके रिजल्ट देख के वो नाखुश भी हो, लेकिन जिसने कुछ नहीं पढ़ा था वो तो मिजाज में है कि हम भी साथ साथ निकल लिए। नहीं, इस मार्कशीट को जो आपको मिलेगा उसे आप एक गिफ्ट सोचिए, ऐसा गिफ्ट सोचिए जो आपको हार्ड वर्किंग बनाए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करें कि इस बार जो हुआ हुआ, अगर हम परीक्षा देते तो कैसा रिजल्ट होता। इस पर विचार कीजिए कि हमने कितना मेहनत किया था और हमें कितना मार्क्स मिला है। मार्क्स की कोई बात नहीं है, मार्क्स जो मिला मिला। बच्चों, आप लोगों को अब बड़े ही धैर्य पूर्वक घर में मेहनत करना है, आगे के करियर के बारे में सोचना है कि अब हम क्या करें। 12th के बाद ही बच्चे का करियर डिसाइड होता है कि अब हमें आखिर करना क्या है, किस लाइन की ओर जाना है। मेडिकल लाइन को चुनना है कि इंजीनियर बनना है कि और अदर कंपटीशन हमें देना है, अब यहीं से आपको डिसाइड करना है। अब आप लोग मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को 10th यूं ही पास कर दिया गया, 12th यूं ही पास कर दिया गया, लेकिन अब आने वाले दिनों में अगर आप चाहिएगा कि हमें बिना कंपटीशन दिए ही जॉब दे दे, IIT कॉलेज मिल जाए, मेडिकल कॉलेज मिल जाए, कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए, SSC का जॉब मिल जाए, रेलवे का जॉब मिल जाए, हम टीचर बन जाएं, ये बच्चों संभव नहीं है। ये सरकार देने वाली नहीं है और देना भी उचित नहीं है। कंपटीशन तो आपको उन सभी बच्चों से फेस करना है जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, वही असली में जॉब लेने का हकदार है। झूठ मूठ में तो संभव नहीं है बच्चों। हो सके 12th के रिजल्ट को देखकर आप बहुत खुश हो गए हों, हो ये भी हो सकता है कि आप खुश नहीं भी हुए हों,
फिर भी बच्चों कोई बात नहीं, अब कसम खाइए, ये प्रण लीजिए कि अब हम घर में या जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वहाँ सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे और पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रहेंगे। इतना पढ़ेंगे कि हम अच्छा से अच्छा कर सकें, एक अच्छा इंसान बन सकें। अच्छाई ही अपनाएंगे, यही तो पढ़ाई का असली अमृत है। तो बच्चों चलिए, आप लोगों को एक बार मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए एंजॉय कीजिए, लेकिन लेबर करना मत छोड़िए, बिकॉज लेबर नेवर गोज इन वैन। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।